जय श्री राम, जय हनुमान। बालाजी महाराज आप सभी पे कृपा करें, आपके जीवन में हमेशा ही खुशियां आती रहें। आज हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं, राम नाम के जाप के माध्यम से आपकी जिह्वा पर एक ऐसी अलौकिक शक्ति जागृत होती है जो कि आपके पूरे जीवन को बदल देती है और आपके आने वाले जीवन में आपको एक नया मार्ग और एक नया जीवन और एक नया उद्देश्य देती है। हमारी जिह्वा हमारे जीवन में अच्छे बुरों का निराकरण करती है। जैसा हम किसी से व्यवहार करते हैं, जैसा हम किसी से बोलते हैं, प्रतिफल में हमें वैसा ही उससे प्राप्त होता है। अगर हम किसी से प्यार से बात करते हैं, स्नेह से बात करते हैं, तो सामने से हमें प्यार और स्नेह मिलेगा ही मिलेगा। और अगर हमारे बोलने की शक्ति और हमारे बोलने की क्षमता अच्छी है तो हमें हर चीज से सम्मान मिलेगा, जागृति होगी, आपका नाम होगा, हर कुछ आपको धीरे 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 मिलता रहेगा। लेकिन रसना पर नाम जाप की ऊर्जा कैसे जागृत की जाती है और उस शक्ति को जागृत करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, कैसे जाप करना पड़ता है, उस चीज को हम आपको आज बताते हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई है उसमें हमने आपको बताया है सांसों का रहस्य, सांसों पर राम नाम का जाप करने से आपके जीवन में क्या बदलाव होते हैं उसके ऊपर। इसी टॉपिक को हम यहीं से ही उठाएंगे। ये जाप भी आपको सांसों के माध्यम से और जिह्वा के अग्रभाग से आपको जाप करना है, यानी कि जो आपका अग्रभाग है जाप के दौरान उठना चाहिए, चाहे आप वाचिक जाप कर रहे हैं, चाहे आप मानसिक जाप कर रहे हैं, हल्का हल्का आपकी जिह्वा में स्पंदन होना चाहिए। जैसे जैसे आपकी जिह्वा में स्पंदन होगा वैसे वैसे आपके अंदर गहराई आएगी, बोलने की शक्ति आएगी, आपकी वाणी में निखरता आएगी। आप कोई शब्द बोलेंगे तो सामने वाले के सीने के आर पार हो जाएगा और उस शब्द को वह मानने के लिए विवश हो जाएगा। आप देखते हैं बड़े बड़े कथावाचक, बड़े बड़े संत जब वो प्रवचन करने बैठ जाते हैं तब आपको पता ही नहीं चलता 2 घंटे 3 घंटे कब निकल गए, और जैसा वो बोलते हैं वैसा आप करते हैं। ऐसा क्यों होता है? उनकी वाणी में शक्ति होती है, उनकी वाणी में सामर्थ्य होती है, उनकी वाणी में वो पॉजिटिविटी होती है जो आपके हृदय में एक पॉजिटिव ऊर्जा का संचार करती है और उस बात को आप मानने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम इसे दैवीय भाषा में कह दे तो आपकी शक्ति पर, आपके जीवन में राम नाम के जाप के माध्यम से आपकी जिह्वा पर एक अलौकिक शक्ति मां शारदा मां सरस्वती की कृपा आपको प्राप्त होती है। वो आपके कंठ पर आकर बैठती है तो आप अच्छे अच्छे शब्द, अगर आप गलत भी शब्द बोलेंगे तो वह भी सामने वाले को अच्छा लगेगा, क्योंकि आपका चिंतन वैसा है, आपके अंदर कोई अवगुण नहीं है, आपके अंदर जो गंदगी है वो राम नाम के जाप से मिट चुकी है, आपके अंदर क्षमता का भाव आ गया है। तो क्षमता का भाव ही आपके अंदर आने वाले समय में आपके जीवन को एक नई भूमिका दिलाता है, क्योंकि जब आप सबको सम देखते हैं, सबसे समान व्यवहार करते हैं और आप उनसे निरपेक्ष रहते हैं, यानी कि उनमें आसक्त नहीं होते हैं और आप अपने लक्ष्य की तरफ अनुरक्त नित्य प्रति बढ़ते रहते हैं, तो इसका परिणाम यह होता है कि आपका एक अलग ही ऑरा बनता है, आपके साथ एक अलग ही ऊर्जा शक्ति जुड़ती है, आपके साथ जो भी लोग रहते हैं, जो भी आपको सुनते हैं, जो भी आपको फॉलो करते हैं, उनका जीवन भी बदल जाता है, क्योंकि आपने सत्य का सहारा लिया है और आपकी वाणी में सत्यता है। जब तक आपकी वाणी में सत्यता नहीं होगी तब तक आप सामने वाले को सत्य मार्ग पर प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं। अगर आप उस मार्ग पर नहीं चल रहे होंगे तो सामने वाला कभी भी उस मार्ग पर नहीं चलेगा, अगर आप उस मार्ग पर चलेंगे तो सामने वाला भी उसी मार्ग पर चलेगा। हम क्या करते हैं, थोड़ा सा जाप किया, साधना किया, हम थक जाते हैं। अगर हमसे किसी ने कह दिया कि यहां से रुपए पैसे की आमदनी होगी, पैसा मिलेगा, कुछ फायदा होगा, तो हम बिना थके काम करते रहते हैं और उस रुपए पैसे को अर्जित करने के लिए अपने पूरे जीवन को लगा देते हैं। लेकिन इसी के विपरीत अगर थोड़ा बहुत समय आप राम नाम के जाप में दें तो आपकी वाणी में वो शक्ति आ जाएगी, जहां पर भी आप बैठेंगे वहां पर आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी, आप अपनी वाणी से जिसको जो बोल देंगे वो चीज सत्य हो जाएगी। इसका प्रमाण आपके सामने है। श्री प्रेमानंद जी महाराज ने जो मुहिम उठाई थी प्रदीप मिश्रा जी के खिलाफ, उन्होंने कहा था कि तुम्हें बरसाने में आके माफी मांगनी पड़ेगी अन्यथा तुम्हारी मुक्ति का कोई मार्ग नहीं है, तो उनकी वाणी का इतना असर हुआ, उनके शब्दों का इतना असर हुआ कि वह बरसाने तक नहीं गए थे प्रेमानंद जी महाराज, लेकिन प्रदीप मिश्रा को बरसाने में आकर नाक रगड़ के माता
राधा रानी के चरणों में, महाशक्ति राधा रानी के चरणों में नाक रण के माफी मांगनी पड़ी थी। क्या था ये? उनकी वाणी का प्रभाव था, उनके शब्दों का प्रभाव था, उनके अंदर वो औरा शक्ति, वो तेज शक्ति थी, जिस शक्ति के माध्यम से उनकी ऊर्जा इतनी प्रकाशित हुई, इतनी फैली कि एक आंदोलन का रूप उनकी वाणी ने ले लिया। इतने इतने बड़े बड़े आंदोलनकारी हुए हैं, उन्होंने क्या किया है, परिवर्तनकारी हुए हैं, समाज कल्याणक हुए हैं, तो उनकी वाणी के द्वारा लोगों का परिवर्तन हुआ है। अगर आप वाणी को सही से बोलना सीख जाते हैं, किससे किसे बोलना है, किस समय क्या कहना है, और आपकी वाणी में राम नाम की ऊर्जा और थोड़ा आपको राम नाम का बोध हो जाता है, तो राम नाम के बोध से ही, राम नाम की ऊर्जा से ही आपके जीवन में बदलाव आता है। तो आप नाम जाप का सहारा लीजिए, तो ये शक्ति आपकी वाणी में भी जागृत हो जाएगी और आप भी जो शब्द बोलेंगे वो एक दिन आंदोलन का रूप ले लेगा। जो आप किसी के लिए प्रे कर देंगे वो पूरी हो जाएगी। जो आप जिसके लिए चाहेंगे वैसा आपकी वाणी के माध्यम से होगा, बैठे बिठाए आपको सब कुछ मिलेगा राम जी की कृपा से, क्योंकि आपने उनके नाम का सहारा लिया है। अगर आप उनके नाम का सहारा लेते हैं तो भगवान आप पे कृपा करते हैं और आपके जीवन को बदल देते हैं। तो ये कुछ जानकारी थी आपके लिए, नाम जाप से आपकी जिह्वा पे कैसे शक्ति जागृत होती है और कैसे कार्य करती है, इस विषय में। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को शेयर करें, हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय श्री राम, जय जय हनुमान।